हाय फ्रेंड्स, मैं प्रकाशमणि पीएम्स क्विजिन में आपका स्वागत करती हूँ और आज हम बनाएंगे राजमा छोले पुलाव। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर एफबी पर पेज फॉलो करें और आपका फीडबैक मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं राजमा छोले पुलाव बनाना। सबसे पहले हमने राजमा और छोले को रात भर पानी में भिगो लिया है। हमने इस कप से एक कप राजमा और छोले लिए हैं। ये देखिए, ये फूल चुके हैं, ये अच्छे से भीग चुके हैं, इनको हम वॉश कर लेते हैं। हमने 3-4 बार पानी से राजमा और छोले को अच्छे से धो लिया है। अब इसको हम कुक होने के लिए कुकर में डालेंगे। हम सारे राजमा छोले इसी में डाल देंगे। साथ में इसमें हम डालेंगे एक बॉल पानी। जिस बॉल में हमने राजमा और छोले भिगाए थे उसी बॉल से पूरा बॉल भरकर हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक। हल्दी से इनका कलर अच्छा हो जाएगा और नमक डालने से इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम कुकर का लिड बंद कर देते हैं। अब इसको हम रख देंगे गैस पर। इसको हम 5 से 6 सीटी आने तक पकाएंगे। हमने इनको धीमी आंच पर 6 सीटी आने तक पका लिया है। ये देखिए, हमारे राजमा और छोले अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए, ये अच्छे से फूल चुके हैं और एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। इनको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। पानी को हम कुकर में ही रहने देंगे, हम सिर्फ राजमा और छोले को निकालेंगे एक बॉल में। ये देखिए, हमने राजमा और छोले को एक बॉल में निकाल लिया है। अब ये जो पानी हमारा बचा है कुकर में, इसको हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इसी कुकर में हमारा चावल डालेंगे। ये 3/4 कटोरी चावल है। इसको हम कुकर में डाल के अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, हमने चावल को अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम डालेंगे इसका चावल का जस्ट डबल से थोड़ा कम पानी। ये देखिए, राजमा और छोले के बाद जो हमारे पास पानी बचा था हमने वही पानी यूज़ किया है और थोड़ा सा और मिक्स कर लिया है इसमें। इसमें हम स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रहे हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब कुकर का ढक्कन हम बंद कर देंगे और चावल को हम 1 सीटी आने तक पका लेंगे। चावल में 1 सीटी आ चुकी है। हमने कुकर को ठंडा कर लिया है। अब इसको हम ओपन करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा चावल पक चुका है। चावल को हम चम्मच से हिला लेंगे ताकि ये अच्छे से बिखरे बिखरे हो जाएं। ये देखिए, हमारे चावल एकदम खिले खिले बने हैं। इनको हम ठंडा होने देंगे। हमने चावल को पकने के लिए डबल से थोड़ा कम पानी रखा था क्योंकि हमारे चावल नए हैं। नए चावल को पकने में पानी थोड़ा कम लगता है। उसके कंपेयर में अगर पुराना चावल होता है तो उसमें जस्ट डबल पानी लगता है। ये देखिए, एकदम खिला खिला चावल बनकर हमारा रेडी है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसके लिए हम एक पैन को गरम कर लेंगे। पैन के गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून तेल। तेल को पैन में चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1 डालेंगे हम तारा फूल, इसमें हम डालेंगे 2 छोटी इलायची या हरी इलायची, 1 इसमें डालेंगे हम बड़ी इलायची। अब इसमें हम डालेंगे 3-4 लौंग और 7-8 काली मिर्ची, खड़ी काली मिर्ची है। इनको हम तड़कने देंगे। इनको हम इस तरह से चलाते हुए तड़का लेंगे। ये खड़े गरम मसाले के तड़कने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। इसको भी हम तड़कने देंगे। जीरे के तड़कने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्ची, जिसको हमने इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है। इसको भी हम थोड़ा पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट। इसको भी हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स या फिर आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हमारा ये राजमा और छोला, जिसको हमने पहले से पका कर रखा है। इसमें हम हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने चावल में भी हल्दी डाल रखी है और राजमा और छोले में भी पहले से ही डाल रखी है हमने हल्दी। नमक भी हमने इसमें डाल रखा है तो अब इसमें हम नमक को ऐड नहीं करेंगे। हमने चावल को भी इसमें डाल दिया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस वक्त हम गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा नींबू का रस पुलाव में डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने पुलाव को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम ढक करके थोड़ी देर रख देंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। 5 मिनट बाद हम पुलाव को ओपन करके देख लेंगे। ये देखिए, हमारा पुलाव अब एकदम रेडी है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट किया हुआ। इसको भी हम
मिक्स कर देंगे। हमने धनिया को भी पुलाव के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमारा पुलाव एकदम रेडी है। ये देखिए हमारा पुलाव एकदम खिला खिला, जिसके चावल के एक एक दाने एकदम खिले खिले हैं। ये देखिए हम इसको पास से देख लेते हैं। ये देखिए हमारा पुलाव। अब इस पुलाव को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इस पुलाव को टिफ़िन के लिए भी रेडी कर सकते हैं। थैंक यू।